ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, फटाफट सब के सब लाइव आ जाओ और आज का सेशन हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। फिर कौन कौन लाइव आ गया हमारे साथ में? ओके, आज तो लिंक मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को? हाँ भाई, जरा फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि आज लिंक सर्च करने में कोई इश्यू तो नहीं हुआ आप लोगों को? क्योंकि मुझे अपने एंड से ऐसा लग रहा था कि शायद चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो एक बारी आप लोग भी जरा मुझे बताएं। बोलिए भाई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ओके, आज कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है भाई, चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है भाई, और क्या बात है भाई, क्या बात है अनुज। बिल्कुल कृति, आप डोंट बॉदर अबाउट इट। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, तो अपना दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, गेट रेडी फॉर वीकली बूस्टर। मैंने कल आप लोगों को बताया था इस बारे में कि हम इस पूरे वीक की जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ में बैक डेट का भी हम लोग जो है, एक जनवरी 2019 आप लगा लीजिए कि जनवरी 2019 से हम चीजों को उठाना शुरू करेंगे मंथ वाइज। ठीक है भाई, ओके। तो आप उन दोनों को मिक्स करके मैंने ये सेट तैयार किया है आज का। तो हम लोग ऑप्शन पर भी डिस्कशन करेंगे, जो बात मैंने आपको कल बताई थी, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया। कल शाम को बड़ा हादसा हुआ और मैंने इसको यहाँ पे आप ऐड कर दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया विच क्रैश्ड इन कोझिकोड इन अगस्त 2020। ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट का नाम जो क्रैश हुई है, और इस फ्लाइट का नाम है IX 1344 1344। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन की बात करता हूं तो IC 814 आज तक चर्चा में रहती है, और ये वो फ्लाइट है जो हाईजैक हुई थी। ये वो फ्लाइट है जो हाईजैक हुई थी। ठीक है भाई, आप काठमांडू से इसको हाईजैक किया गया था, एयर इंडिया की फ्लाइट, करीब 20 साल पहले की बात है। और फ्लाइट नंबर B29 बॉम्बर
इसको हम लोग बॉम्बर B-29 भी कहते हैं, और इसका संबंध इंडिया से नहीं है। ये कहाँ का था? ये अमेरिका का था, और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में 1945 में बम गिराने वाले जो प्लेन का नाम था वो यही था। ये था फाइटर प्लेन B-29 जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराए थे। बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेडिशनली स्टैटिक जीके के अंदर B-29 कई बारी। कल है 9 अगस्त, कल है 9 अगस्त, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड नेम क्या था? फैट मैन। और हिरोशिमा पर जो गिराया था, पूरी बात सुन लो फिर, हिरोशिमा पर जो गिराया था वो था 6 अगस्त 1945, और उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। क्या नाम था उसका? बॉम्ब का कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है भाई, चलिए, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ये कभी भी दिख जाते हैं। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टेरर ग्रुप हिजबुल्ला इज रिलेटेड विद विच कंट्री? आतंकवादी समूह हिजबुल्ला का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बताइए भाई, आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला का संबंध किस देश के साथ में? सोमालिया, नाइजीरिया, यमन, लेबनान? बताइए भाई, और इसका सही जवाब है लेबनान। करेक्ट आंसर इज लेबनान। लेबनान के साथ में इसका संबंध है, और लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर में जो है धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से अभी कर चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर में। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, लेबनान की राजधानी का नाम याद रखिएगा बेरूत। धमाका इतना बड़ा था कि लेबनान को कई सारे देशों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि साहब मदद कर दीजिए। और देखो, हम सब देश एक दूसरे की मदद के लिए पूरी दुनिया में आगे आते ही रहते हैं, और आना चाहिए, क्योंकि समस्या कब किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं होता। अच्छा भाई, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। और नाइजीरिया के अंदर में जो आतंकवादी संगठन है उसका नाम क्या है? गाहे बगाहे ये हत्याएं करते ही रहता है वहां पर, बोको हरम। ठीक है, और यमन, यमन की राजधानी क्या है? सना। और यमन के अंदर में कौन से विद्रोही चर्चा में रहते हैं? हाउदी। कौन से विद्रोही हैं यमन में जो चर्चा में रहते हैं? हाउदी, हाउदी रेबेलियंस। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द साइंटिफिक नेम फॉर लेपर्ड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने WII देहरादून के बारे में आपको बताया था, याद आ रहा है? कुछ दिनों पहले इसने टाइगर सेंसस जारी किया था, और अभी कुछ दिनों में लेपर्ड का सेंसस भी जारी करने वाला है WII देहरादून। ठीक है भाई, ओके, सो आप अभी लेपर्ड से क्वेश्चन निकल गया है कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, एंड आंसर इज पैंथेरा पार्डस। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, डी इसका सही जवाब है। अच्छा, जरा बात करते हैं आगे। पैंथेरा टाइग्रिस, तो आप समझ रहे होंगे टाइगर का साइंटिफिक नेम है। पावो क्रिस्टेटस कैसे भूल सकते हैं, सेवेंथ क्लास में रटवा दिया जाता है, सेवेंथ एट्थ क्लास में। ठीक है भाई, और ये किसका है? पीकॉक, मोर का, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका राष्ट्रीय उसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस, और शेर का पैंथेरा लियो। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे चलेंगे हम लोग यहां से। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्रूटफुल वीडियो का फायदा उठा पाए। जो बच्चे पूरे वीक में जो है क्लासेस छूट जाती हैं, कहीं भी नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे सेशन जरूर ज्वाइन करें, उनको इमेंस बेनिफिट्स जो है मिल जाएंगे यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में। कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, डैश इज द कैपिटल ऑफ इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वेडोर कहाँ पड़ता है, ये कंट्री है कहाँ का? साउथ अमेरिका का।
अरे बात समझ, मैं कहाँ का ये जो है कंट्री है, साउथ अमेरिका का है देश ये। अच्छा, और इसकी राजधानी है क्विटो। इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। ठीक है भाई, ओके, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन और भी है मेरे खजाने में चीजें अभी। काराकस। काराकस राजधानी है वेनेजुएला की। कहाँ की राजधानी है? वेनेजुएला की। ठीक है, लीमा कहाँ की राजधानी है? पेरू। ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। और सुक्रे, दिस इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया। सुक्रे इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग सरगम, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। वेयर डार्विन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वही डार्विन साहब जो कहते थे कि इंसान के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, और इस बात को इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताया। और इस बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है भाई, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर किए थे? इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे गैलपागोज आइलैंड के ऊपर में। और ये आइलैंड कहाँ पर है? अभी मैंने नाम बताया आपको, इक्वेडोर जो बताया था मैंने, वहीं पर। और गैलपागोस आइलैंड क्यों चर्चा में है, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि चीन ने इसके आसपास के एरिया में हैवी फिशिंग करनी शुरू करी है। अरे बात समझ में, जिसको लेकर के इक्वेडोर ने चीन से आपत्ति दर्ज कराई है कि भाई साहब ये मत करो, गलत कर रहे हो। अच्छा भाई, आइजल ऑफ मैन, ये ब्रिटेन के पास एक आइलैंड है। ये ब्रिटेन के पास एक आइलैंड है, कैमैन आइलैंड, याद आ रहा है? एफडीआई के आंकड़े आए थे, और भारत के अंदर में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा सोर्स कौन सा देश है, कौन सी जगह है? कैमैन आइलैंड कैरेबियन सी के अंदर में है, साउथ अमेरिका के पास की ही जगह है कैमैन आइलैंड्स। और अगर एफडीआई की बात आ ही गई है, तो फिर जरा इस चैन को आगे बढ़ा लें। और भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी जगह है? और उसका नाम है सिंगापुर। और सेशल्स। सेशल्स कहाँ का देश है? सबसे पहले तो आप ये देख लो, सेशल्स कंट्री है ईस्ट अफ्रीका का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है सेशल्स। और सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। क्या राजधानी है? विक्टोरिया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते। आप लगातार ये वॉच कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर में 5-6 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, तो ये सिर्फ नंबर में 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर इसका एवरेज मिलाओगे तो 20 के ऊपर निकल चुके हैं हम लोग। ठीक है भाई, ओके। वेयर पिट्टी आइलैंड इज लोकेटेड। अभी कुछ दिनों पहले एक आइलैंड चर्चा में था, अगत्ती। और अब आप लोगों के दिमाग की बत्ती एकदम चल गई होगी। अगत्ती, यस। अगत्ती में नारियल के पेड़ों को काटने से एनजीटी ने रोक लगा दिया है कि पेड़ नहीं काट सकते यहाँ के, क्योंकि वहां की लाइवलीहुड हर्ट हो रही है। अगत्ती बताया था मैंने, जहां पर अगत्ती है वहीं पर पिट्टी भी है। तो कहां पर है? लक्षद्वीप। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप लोग। ठीक है भाई, ओके। और पिट्टी आइलैंड क्यों पॉपुलर है? यहां पर बर्ड सेंचुरी है। क्या है? यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है लक्षद्वीप के अंदर में। एक बात मैं आपको और बता दूं, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, और पड़ोस में लद्दाख है, और लद्दाख एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं भारत में अभी? टोटल 8। अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश के अंदर में। ठीक है भाई, चलिए। अब बहुत यूजफुल क्वेश्चंस थे सारे के सारे, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है कौन सा आप चैनल सेपरेट करता है, अलग करता है? अब वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्स। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। दिस इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 9 डिग्री है, और 8 डिग्री भी है, बताऊंगा। 8 डिग्री जो है, 8 डिग्री सेपरेट करता है किसको? मिनिकॉय को और मालदीव्स को, समझे? इसलिए मैंने ये बोल दिया था। ठीक है भाई, मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। भाई साहब, 10 डिग्री चैनल भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि
क्योंकि 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको, अंडमान और निकोबार को। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है भाई। ओके चलिए आगे चलेंगे। ओहो ये तो क्वेश्चन आउट हो गया। हाँ, नेम ऑफ द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर फ्लाई ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर उड़ने वाले पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए। और मंगल ग्रह पर उड़ने वाला जो पहला हेलीकॉप्टर होने वाला है, एंड दैट इज इंजीन्यूटी, नासा के प्रजर्वेंस मिशन का हिस्सा है इंजीन्यूटी, ठीक है भाई। अच्छा शर्लॉक क्या है, शर्लॉक है स्पेक्ट्रोमीटर, आप लोग जानते होंगे परहैप्स। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, किसी सरफेस कोई चट्टान वट्टान है उसके केमिकल जो कॉम्पोजिशन है, चट्टान के रासायनिक जो संगठन है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। मॉक्सी का इस्तेमाल कहां पर होगा, O2 ऑक्सीजन का निर्माण करने में मॉक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा, और वहां के मौसम की जानकारी के लिए मेडा को इंस्टॉल किया गया है वेदर कंडीशंस को जांचने के लिए, ठीक है भाई। तो ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं नासा के परजर्वेंस रोवर के, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर, ओहो ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन 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 मैंने आपको अभी रॉकेट का नाम नहीं बताया था। प्रजर्वेंस मार्स मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट, कौन से रॉकेट के द्वारा प्रजर्वेंस को भेजा गया है, बताओ भाई, लगाओ दिमाग, जल्दी करो। मजा आ रहा है सेशन में, बदलाव दिख रहे हैं सेशन के अंदर में आप लोगों को, कैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, क्वेश्चन एक दिख रहा है क्वेश्चन उसके अंदर में 3-4 हो रहे हैं। ओके और इसका सही जवाब है एटलस, यस यस यस। लॉन्ग मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ने अपना तियानवेन किससे भेजा था, चीन का जो तियानवेन मार्स मिशन है, चीन का तियानवेन मार्स मिशन जो है वो किससे भेजा गया, लॉन्ग मार्च से, और H2A इससे किसका मिशन गया है, होप भेजा है ना, अल अलाम अरबी में कहते हैं, अल अलाम किसका है, UAE का, और UAE का जो मार्स मिशन है वो भेजा गया है H2A से, और ये रॉकेट कौन से देश का है, जापान का रॉकेट है, बात समझ में आ रही, H2A, फाइन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहां से, और आफ्टर दिस ये क्वेश्चन नंबर वैसे 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में इलेक्शंस हुए हैं, समझे, श्रीलंका में चुनाव हुए हैं, आज के द हिंदू की न्यूज है बाकायदा ये, और श्रीलंका के अंदर में जो इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस के अंदर में जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वही जीत करके दोबारा से आ गए हैं, सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, और सही जवाब है इसका गोटाबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के पीएम कौन है, महिंदा राजपक्षे, दोनों भाई हैं, ध्यान रखना ये दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है भाई। अच्छा ऑप्शन में सिरिमाओ भंडार नायके और वेलुपल्ली प्रभाकरण भी है, अब ये क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, सिरिमाओ भंडार नायके फर्स्ट पीएम, सिरिमाओ भंडार नायके जो है फर्स्ट पीएम ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाले जो महिला थी वो थी सिरिमाओ भंडार नायके, अरे बात समझ में, श्रीलंका के अंदर बनी थी ये, पीएम बनी थी कहां पर, श्रीलंका में, और वेलुपिल्लई प्रभाकरण जिसकी हत्या की गई थी उस साल पहले, ये था LTTE का फाउंडर, और ये वो बंदा था जिसके ऊपर इस बात के आरोप थे कि इसने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, और ये आरोप क्या कंफर्म बात है, इसी ने हत्या करवाई थी राजीव गांधी की। जो कुछ और क्वेश्चंस यहां पर मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। हु इज द नंबर वन फीमेल टेनिस प्लेयर, जो टेनिस है उसमें जो नंबर वन पर जो महिला खिलाड़ी है उनका नाम क्या है, और वो है एश्ले बार्टी का संबंध कौन से देश से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और नंबर
टू पर जो खिलाड़ी हैं वो है सिमोना हालेप। ठीक है भाई, चलिए आप आगे चलते हैं। हम लोग यहां से आप 11 का बी था, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। मैंने अभी इसका जवाब दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है इसमें तो आपको। ठीक है भाई, एंड आंसर इज लक्षद्वीप। फाइन, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, नटेश, आप ये एक मूर्ति रिकवर हुई है, मूर्ति रिकवर हुई है ऑपरेशन ब्लैक होल के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक होल चलाया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। ठीक है, और राजस्थान पुलिस ने चलाया था, स्मगलिंग करके जो मूर्तियां भारत से बाहर भेज दी जाती हैं उनको रिकवर करने के लिए। नटेश की एक बड़ी पुरानी मूर्ति रिकवर हुई है यहां से, और ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति है भगवान शिव की। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को। और एक बात मैं आपको और बता दूं, विरूपाक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज के अंदर में, और उसके बाद और भी कई एग्जाम में आया फिर बाद में। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है जो कि विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। फाइन, आगे बढ़ेंगे। घटेश्वर मंदिर, घटेश्वर टेम्पल, घटेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? और इसका सही जवाब है प्रतिहार। प्रतिहार वंश के राजाओं ने घटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चंदेल वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था खजुराहो के मंदिरों का। और मैं घटेश्वर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो नटेश की जो मूर्ति है इसका संबंध घटेश्वर मंदिर के साथ में है। आ रही बात समझ में? और खजुराहो जो कि एमपी में है, इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। और राष्ट्रकूट राजाओं ने निर्माण करवाया था एलोरा की गुफाओं का, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर में। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है भाई, ओके। और पाल वंश के राजा क्यों चर्चा में है? क्योंकि पाल वंश के जो राजा थे इन्होंने विक्रमशिला, बेटा जिन लोगों ने डेली पीडीएफ ध्यान से पढ़ी होंगी ना वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के राजाओं ने करवाया था। और राजा का नाम था धर्मपाल। और पाल कहां पर थे? पाल वंश का शासन था बंगाल के अंदर में। ठीक है भाई, ओके। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो आप नॉर्मली लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट? बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ये तो, गैट। ठीक है भाई, और गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड, नहीं, ट्रेड एंड टैरिफ। कैसे भाई, गलत बात हो जाएगी। हाँ, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। और इसका सही जवाब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, सी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, टैरिफ्स एंड ट्रेड, दिस इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना ऑर्डर को, ये टैरिफ पहले है, ट्रेड बाद में। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे चलेंगे। आप बिल्कुल नागर है, बिल्कुल सही बोला बच्चे। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज करंट एम्बेसडर टू इंडिया? ये तो क्वेश्चन मैंने विशेष रूप से बताया था आप लोगों को, है ना। भारत के अंदर में चीन के जो वर्तमान राजदूत है उनका नाम बताओ। तो ये नाम में तो गलती नहीं करोगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। सुन वेडोंग, ठीक है भाई, ही इज द प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ चाइना इन इंडिया। अच्छा, बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है। मार्कोस प्रेडो, मार्कोस प्रेडो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, शंघाई के अंदर में है। साई इंगविन, ये ताइवान की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जिन लिकुन, ये जो बंदा है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रेसिडेंट है। और एआईबी का हेडक्वार्टर किधर है? बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? बीजिंग में। आ रही बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सारी की सारी ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, चीन का राजदूत तो पढ़ लिया भारत में, भारत का राजदूत चीन के अंदर में कौन है? अब ये बताओ। ठीक है भाई, ओके। भाई
भाई आप लोग इतनी कम संख्या में अगर लाइव आएंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज करंट एम्बेसडर टू चाइना. भारत के जो वर्तमान में चीन में जो राजदूत है उनका नाम बताइए, और वो है विक्रम मिश्री. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. भाई इतनी मेहनत का क्या फायदा कि 100 लोग भी नहीं देख रहे. अच्छा भाई आगे चलते हैं. तो अगला मुद्दा है हमारे सामने, तरनजीत सिंह संधु, अजय बिसारिया, टीएस तिरुमूर्ति. कौन है ये लोग भाई? तरनजीत सिंह संधु जो है ये है यूएसए में इंडिया के राजदूत. अजय बिसारिया कहां पर है? पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है. और टीएस तिरुमूर्ति जो है ये परमानेंट, क्या है ये? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस. आ रही बात समझ में? ओके चलिए आगे चलते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे. स्कॉच अवार्ड्स गिवन बाय विच मिनिस्ट्री. स्कॉच अवार्ड जो है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? बताइए भाई जल्दी बताइए. स्कॉच अवार्ड्स कौन से मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? जवाब है इसका ट्राइबल मिनिस्ट्री, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं. ठीक है भाई. ओके द फुल फॉर्म ऑफ नाविक. नाविक का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक? और नाविक का फुल फॉर्म है बताओ भाई, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन. डी दिस इज द राइट आंसर. और अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है IRNSS का फुल फॉर्म भी तैयार करें. ओके दोनों इंटरलिंक्ड है. इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मैंने बता दिया. ठीक है भाई आप लोग इसको भी तैयार करें साथ में. ओके आगे बढ़ेंगे. और इस कॉन्स्टिलेशन में टोटल सैटेलाइट कितने हैं? 7. टोटल 7 सैटेलाइट हैं. हालांकि इसमें एक फेल हो गया था, तो एक फेल होने की वजह से उसकी जगह पर एक और भेजा गया था, तो आपको कई जगहों पर 8 देखेंगे. लेकिन उसमें से एक वर्किंग नहीं है, एक काम नहीं करता है, तो वो है 7 ही, और 7 का ही प्लान था. अरे बात समझ में? ओके चूंकि एक फेल हो गया था सैटेलाइट हमारा, तो बिकॉज ऑफ दिस उसकी जगह पर एक और भेजना पड़ा, तो लोग कई जगहों पर 8 बता देते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो 7 ही हैं. आगे बढ़ेंगे. डैश टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ठीक है भाई, इनका आयोजन 2021 में कहां पर किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका आयोजन 2021 में हरियाणा में किया जाएगा. और 2020 में कहां पर हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2020 में असम में हुए थे. और असम में कहां? गुवाहाटी. असम में कहां पर हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे. और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो फर्स्ट वर्जन है 2018 से स्टार्ट हुए थे. फर्स्ट वर्जन, पहला संस्करण, ये कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर में हुआ था. ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन के ऊपर में. पोस्टल बैलेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच एक्ट टू सर्विस वोटर्स. आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा अभी हाल फिलहाल में न्यूज में, बिहार में जो चुनाव होने हैं कि जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर है उनको पोस्टल बैलेट दिया जाए. पोस्टल बैलेट जो लोग आर्मी के अंदर में हैं, जो लोग भारत के बाहर काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रोवाइड कराई गई थी 1951 के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स अधिनियम के द्वारा. ठीक है भाई पॉलिटी का बड़ा शानदार क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे. रिसेंटली इन विच कंट्री हरिकेन हन्ना. भाई साहब इस कंट्री के अंदर में हरिकेन हन्ना तो आया ही था, हरिकेन डगलस भी आया था. आ रही बात समझ में? और बताओ भाई कौन सा देश है? विच कंट्री एंड इसका सही जवाब है यूएसए. The answer is USA. ठीक है भाई
क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? और सही जवाब क्या है? विली विली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कहते हैं विली विली। और साइक्लोन कहाँ पर कहते हैं? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पर कहते हैं साइक्लोन। टाइफून कहाँ पर कहते हैं? आप टाइफून आप ईस्ट पैसिफिक या फिर आप बोले चाइना, जापान, यहां पर क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। और अमेरिका वगैरह में, मैक्सिको वगैरह में क्या कहते हैं इनको? हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हु हेड्स द टास्क फोर्स दैट प्रिपेयर्ड द ₹102 लाख करोड़ NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मैंने कई बारी करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया हुआ है। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए इस प्लान को लाया गया। 102 लाख करोड़ का जो है ये प्लान लाया गया। अच्छा भाई, तो अभी अभी यहां पर है क्या चीज? $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, इसलिए इस प्लान को लाया गया है। और इस जो NIP है, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? और इसका रिकमेंडेशन किया था अतानु चक्रवर्ती साहब ने। और गिरीश मुर्मू तो आपको पता ही है, कहाँ, जम्मू कश्मीर के LG, अभी तो रिजाइन किए हैं। आ रही बात समझ में? ओके। और निर्मला सीतारमण किसी से छिपा हुआ नहीं है, भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अतानु चक्रवर्ती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, और यहां से हम लोग जो है जनवरी 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं हम लोग उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके आगे चलेंगे। हु इज द LG ऑफ जम्मू कश्मीर? प्रेजेंट में बताना है, पुराना वाला मत बता देना। अरे बात समझ में? और जम्मू कश्मीर के अभी आप, मैं यहां लिख देता हूं, आप एक सेकेंड, अगस्त 2020। और कौन है भाई? मनोज सिन्हा। ठीक है भाई, अच्छा। अनिल बैजल, अनिल बैजल कहाँ के हैं? अनिल बैजल दिल्ली में हैं। अनिल बैजल सर दिल्ली के अंदर में हैं। आ रही बात समझ में? और RK माथुर, बताओ भाई। RK माथुर जो है इनका संबंध कहाँ से है बताओ? RK माथुर लद्दाख। ठीक है, और दिनेश्वर शर्मा, बताओ भाई, दिनेश्वर शर्मा सर कहाँ के हैं? ये भी LG हैं, प्रशासक हैं, दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा बताइए भाई। जल्दी बोलो। अभी तो पढ़ाया था सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। यस, बिल्कुल सही जवाब किया, लक्षद्वीप। ठीक है भाई, सबसे बड़े लद्दाख के कौन? RK माथुर सर। ठीक है भाई, अरे ना जी ना, लक्षद्वीप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसके RK माथुर है और ये लक्षद्वीप के हैं। लक्षद्वीप, ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? और आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बताओ भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। अरे बात समझ में? और हु रोट द बुक अनटू दिस लास्ट? अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक किसकी है? अनटू दिस लास्ट बुक है जॉन रस्किन की, और इस पुस्तक से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इससे, वार एंड पीस से भी गांधी जी बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की बुक है,
और ब्लू अम्ब्रेला, बताओ भाई ब्लू अम्ब्रेला बुक किसकी है, आरके नारायण की या कि रस्किन बॉन्ड की? फिर दो जवाब हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड के नाम पर, ठीक है भाई बताओ। और इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में ट्विस्ट था, आ रही बात समझ में? और इस मैं बता तो रहा हूं तुमको, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, तुम लोग फिर गलत जा रहे हो। इस क्वेश्चन के अंदर में ट्विस्ट यह था कि ये दोनों पुस्तकें, इन दोनों के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। आपको ये वाली याद रहे क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आई है, आ रही बात समझ में? बट ब्लू अम्ब्रेला के लेखक भी कौन थे? रस्किन बॉन्ड ही है, आ रही बात समझ में? दोनों के लेखक वही हैं। अच्छा भाई चलिए आगे चलते हैं। अनुज उसका जवाब है, उसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, बात समझ में आ रही? आपने गलत बोला है, चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27, विच बुक इज रिटन बाय आर के नारायण ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है, बताओ भाई। प्रिया तुमने बहुत शानदार सेशन की शुरुआत मिस कर दी, अब मैं इससे अधिक और क्या कहूं, ठीक है? बट ठीक है, देर है, दुरुस्त आए, ठीक है। चलिए आर के नारायण की बुक है मालगुड़ी डेज, दिस इज द राइट आंसर। हैप्पी फॉर नो रीजन, ये 2020 में मंदिरा बेदी की बुक आई है, मंदिरा बेदी की बुक है, ठीक है भाई ओके। इसके अलावा टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स, ये एक कोई मिस्टर अग्रवाल करके हैं, ठीक है पूरा नाम तो मैं भी मिस कर गया, मोहित अग्रवाल है या आर अग्रवाल है, रोहित अग्रवाल है, जो भी है ठीक है, उसने बुक किताब लिखी है ये। एंड लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, भाई साहब क्या जबरदस्त बुक लिखी है। और इस बुक के ऑथर कौन है? अमीश त्रिपाठी, आ गई बात समझ में? अमीश त्रिपाठी, ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेम बिलोंग्स टू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और इसका सही जवाब है ऑल, स्टेम का संबंध तीनों के साथ में है। आगे बढ़ेंगे, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय आरबीआई, उस ऐप का नाम बताओ जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च करी है और जिन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टि बाधित, दृष्टि विजुअली इंपेयर्ड, दैट इज दृष्टि बाधित लोगों की यह मदद करेगा टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है भाई, करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। और क्यों, क्या है इसका नाम, क्या है इसका नाम है वानी, विजुअली एडेड नोट आइडेंटिफायर, दिस इज द फुल फॉर्म, दिस इज द राइट आंसर। एक सेकंड रुको, हाँ मैं मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई एक सेकंड रुकिए, और मैंने आंसर शो करके ये बात जान ली, ठीक है भाई मनी है आप, अरे वो दिमाग में था मनी से लेकिन वो पता नहीं कहां वानी चला गया, ठीक है मनी। फुल फॉर्म याद रखना मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, और याद करने का तरीका है मनी, ठीक है भाई ओके आगे चल, हाँ बिल्कुल मनी मनी मनी, ठीक है आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, WHO हैज डेजिग्नेटेड 2020, 2020 में WHO का थीम क्या है, पढ़ा चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका थीम है नर्स एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है भाई, और पैंडेमिक की वजह से ये थीम और भी इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग इसी दिन, और WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनोवा में, और इसके चीफ का नाम तो आपको कंठस्थ हो गया होगा, कौन है चीफ? टेड्रोस एडनॉम, ठीक है भाई, ट्रंप उसके पीछे पड़ा रहता एकदम हमेशा। अब नेस्कैम का फुल फॉर्म क्या है? H1B वीजा की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है नेस्कॉम,
ठीक है भाई, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? और नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कहां पर है? जुड़ो नेशनल एसोसिएशन ऑफ, ध्यान रखना सॉफ्टवेयर पहले सर्विस बाद में, इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां स्वैपिंग कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? यूबी प्रवीण राव। गाइस बहुत ध्यान से देखिए, यूबी प्रवीण राव, ठीक है भाई, ये इसके चेयरमैन है। ठीक है भाई, ये कुछ और जानकारियां थी जुड़ी हुई नेस्कॉम से। हेडक्वार्टर ऑफ FATF, ओ भाई साहब इसमें तो कहानी ही अच्छा, मैं समझ गया, ये अभी छिप गया है, अभी ये आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है भाई, ओके, तो आप लोग इसका जवाब तो जान ही गए होंगे, पेरिस है। ठीक है भाई, ओके, द आंसर इज पेरिस। और FATF का हेडक्वार्टर तो चलो ठीक है पेरिस में है, लियोन क्यों इंपॉर्टेंट है? लियोन के अंदर में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। एक सेकेंड रुकिए, लियोन के अंदर में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरपोल का। ठीक है भाई, और ब्रुसेल्स के अंदर में हेडक्वार्टर है नेटो फोर्सेस, और रोम के अंदर में हेडक्वार्टर है FAO का। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कोवैक्स फैसिलिटी? कोवैक्स फैसिलिटी गावी लेकर के आया है इसको, गावी नाम की संस्था लेकर के आई है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन। तो अब ये है क्या? कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम है, इक्विटेबल एक्सेस ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन है, टेस्ट है COVID-19 का, या COVID-19 का हेल्पलाइन है, क्या है ये चीज? सही जवाब है इक्विटेबल एक्सेस ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ओके, क्वेश्चन नंबर 34, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निवारक निरोध हिंदी में क्या कहते हैं? निवारक निरोध। निवारक निरोध का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो जवाब है आर्टिकल 22 से है। आ रही बात समझ में? अनुच्छेद 22 से है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार देता है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट, ठीक है, एंड डबल जियोपार्डी का विरोध। और नो डबल जियोपार्डी नहीं होगी, मतलब कि एक ही अपराध में दो बार सजा नहीं होगी, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी इसी का हिस्सा है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 34 बात करता है किसकी? मार्शल लॉ की, आर्मी के शासन की बात करता है, मार्शल लॉ की बात करता है आर्टिकल 34। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे के सारे। और एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21, एक सेकंड रुको, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, नेवर गेट्स सस्पेंडेड, कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 दोनों। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आप बेटा अदालत के अंदर में बात की जा रही है, ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्को टेस्ट वगैरह होते थे जबरदस्ती कर लेते थे वो नहीं कर सकते हैं। अब अगर नॉर्को टेस्ट करना है तो पहले जो आप जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो परमिशन देगा कि हाँ मैं नॉर्को करवाऊंगा अपना।
अदरवाइज आप अगर प्रशासन चाहे कि ना जी हम कर लेंगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है भाई। ओके आगे चलते हैं। नेम द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर ऑफ ईरान, बताओ भाई, जिसकी हत्या हुई थी बगदाद के अंदर, मार दिया गया था, और इसका नाम क्या है, कासिम सुलेमानी, इसको मारा गया था, और जिस ड्रोन से मारा था अमेरिका ने, भाई साहब ये ड्रोन मोदी जी को पसंद आ गया है और मोदी जी बोले हमारे यहां भी लेके आओ इसको। ड्रोन का नाम क्या है, MQ-9 रीपर, खतरनाक खतरनाक चीज है भाई साहब, खतरनाक चीज है ये, ठीक है भाई। ओके MQ-9 रीपर, आगे चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज नेम्ड नसीम अल बहर दैट हेल्ड इन गोवा रिसेंटली। नसीम अल बहर जो है एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ है, और इसका सही जवाब है इंडिया एंड ओमान, इनके बीच में हुआ है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंदिरा, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में सहयोग काइजिन, इंडिया और जापान के बीच होती है सहयोग काइजिन, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट है सेलिब्रेटेड रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लाई हरोबा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, मणिपुर से संबंधित है लाई हरोबा, अरे बात समझ में। और मणिपुर की राजधानी वगैरह सब दिमाग में रखना, नागालैंड के जैसे कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, मणिपुर इम्फॉल, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे, राजधानियां दिमाग में रखना इन सबकी। आप व्हाट वाज द थीम ऑफ द 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस फॉर द ईयर 2020, कहां पर हुई थी ये, बेंगलोर में हुई थी, बंगलुरु में हुई थी, अरे बेंगलुरु के अंदर में हुई थी ये, ठीक है। और इसका थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, बहुत जरूरी चीज है कि इस समय हमें ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी को आगे लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन्स, भाई साहब जहां पर कल प्लेन क्रैश हुआ है उसी के पास का इलाका है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट बहुत प्रेस्टिजियस होती है, बहुत तवज्जो मिलता है इसको, और एरिया है मलप्पुरम, भाई साहब सबसे मतलब पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन रीजन है मलप्पुरम केरला का, और इसी मलप्पुरम के बगल में कौन सा एरिया है, कोझिकोड, और इसी कोझिकोड के अंदर में प्लेन क्रैश हुआ है कल, आई बात समझ में। और कोझिकोड का ही ओल्ड नेम क्या है, इसी का ओल्ड नेम है कैलीकट, क्या नाम है, कैलीकट, और इसी कैलीकट में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, समझे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज लाइकली टू बी कमीशन्ड बाय अर्ली 2021, भारत जो अपना विमान वाहक पोत बना रहा है, पहला भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत जो हम लोग बना रहे, अरे बात समझ में, ये 2021 तक कमीशन हो जाएगा, इसका नाम क्या है, और इसका नाम है INS विक्रांत, क्या नाम है इसका, INS विक्रांत, ठीक है भाई। ओके तो भाई साहब नंबर में क्वेश्चन दिख रहे हैं 40, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अगर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को भी ऐड करें ऑन एन एवरेज, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कितने किए हैं, 80, बात समझ में आ रही है, इस बात से आप सभी लोग एग्री करेंगे कि नंबर में क्वेश्चन 40 जरूर दिख रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने 80 प्लस ही किए हैं, उससे कम तो क्वेश्चंस नहीं किए हमने, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं 80। मेरी क्लास 9:15 तक मुझे खत्म करनी थी, क्योंकि 9:30 से मेरा एक अगला लेक्चर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप हम लोगों ने आज मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने शानदार परफॉर्म किया है, अब आपके हिसाब से क्या परफॉर्म किया है वो आप लोग बता दीजिएगा, अरे बात समझ में। तो आप इस समय का इस जो है हमारे पास जो 50 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे लगाए, 50 मिनट जो लगाए यहाँ पे,
ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट ही बैठे होंगे। तो उसमें हम लोगों ने एक मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। क्वेश्चंस तो अभी और भी हैं, लेकिन मुझे याद नहीं था कि आज मेरी क्लास कम समय के लिए है। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, आप ये किसी और दिन में करवा लूँगा। फाइन, आपके इस कोर्स में देख पा रहा हूँ समृद्धि, कार्तिकेय, तनवीर, बढ़िया परफॉर्मेंस है, रोशन, गजेंद्र, प्रताप, वेरी गुड भाई। थैंक यू सौरभ सिसोदिया, थैंक यू। सेशन को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए भाई, बहुत सीधी सी बात है, तुम्हारे लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर मैं भी इतना इनोवेशन नहीं करने वाला, पहले बता के चल रहा हूँ। आई बात समझ में? आप ये डेट गलत डाल दिया है इन्होंने, 1 से 8 अगस्त तक का वीकली बूस्टर है, इसके बाद में 10 से 10:30 संतोष सर की क्लास है इंग्लिश की, 10:30 से 11 करंट अफेयर्स की क्लास एक और है, ये एनडीए का करंट अफेयर्स है स्पेशली। ठीक है भाई, आप अंकिता तनेजा मैम क्लास लेंगी ये, इसके बाद में इंग्लिश की क्लास है संतोष सर की। ठीक है भाई, चलिए तो आज का शेड्यूल देख लीजिएगा आप लोग, और आप चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अब मंडे को। फाइन, थैंक यू, थैंक यू।